इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुझे लक्ष्मणगढ़ से चौथी बार प्रत्याशी बनाया। 2023 के जो इलेक्शन है उसमें मुझे प्रत्याशी बनाया। आज मैंने चार लोगों के साथ में, मेरे दोनों प्रधान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन, उनके साथ में मैंने फॉर्म भरा है और अब हम लोग जनसभा करेंगे। जो हर वर्ष हम लोग हर 5 साल बाद में करते हैं जब नामांकन भरते हैं, पूरे राजस्थान में एक ऐसा शानदार माहौल है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया 5 साल तक और कार्यकर्ता सब खुश हैं। कोरोना मैनेजमेंट ले लीजिए, विकास का काम ले लीजिए, बजट की बात ले लीजिए, किसान के लिए ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में ले लीजिए, सब क्षेत्रों में 36 हुकूमों को साथ लेकर के ऐतिहासिक फ्लेक्सिब योजनाएं दी हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं। लोगों में एक उत्साह है कि हम इस सरकार को पुनः रिपीट करें। एक परिपाटी जो बन गई थी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसको तोड़ने के लिए लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह और उमंग है। मैं समझता हूं कि आपको यह नज़ारा अभी जब हम नेहरू स्टेडियम में चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहे कितना भी जोर लगा लें, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। क्योंकि लगभग 10 साल हो गए दो टर्म के बाद में, मोदी जी ने जो वादे किए थे, भाजपा ने जो वादे किए थे, वो एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो, चाहे वो रोज़गार देने की बात हो, नौकरियां देने की बात हो, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, किसान के कर्जे माफ़ करने की बात हो, विदेश नीति ठीक करने की बात हो, हमारी आर्थिक नीति ठीक करने की बात हो, मैं समझता हूँ उसमें सब में एनडीए सरकार फेल हुई है। और लोगों में एक आम चर्चा है कि जो मोदी जी कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, वो 9 साल का हिसाब भी आज की तारीख में नहीं दे रहे हैं। यहाँ का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत ही कमज़ोर है, आपस में गुटों में बटा हुआ है, झगड़े हो रहे हैं, टिकटें बट नहीं रही हैं। जिनको दे रहे हैं वो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फील्ड में कभी जनता के साथ में कंधे से कंधे मिला करके जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम नहीं किया। जो MPs फेल हो गए 10 साल में, उन MPs को उतारा जा रहा है। जो लोग 15 साल 20 साल पहले रिजेक्ट हो गए थे, उन रिजेक्ट लोगों को यहाँ जनता ने रिजेक्ट किया और जनता के रिजेक्ट किए हुए लोग दोबारा जनता के चहेते कैसे हो सकते हैं? जनता ये समझती है। और लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। पहले मुझे प्रधान बनाया, 3 बार MLA बनाया, चौथी बार मुझे पार्टी ने टिकट दिया है। मैं जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए आज मैंने नामांकन सभा मैं करने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस लक्ष्मणगढ़ को मैं जितना भी दे पाऊँ उतना कम है, लेकिन मैंने प्रयास किया है। चाहे वो हमारा यहाँ पर स्टेडियम ठीक करने की, अच्छा करने की बात हो, चाहे नेचर पार्क की बात हो, कॉलेज की बात हो, चाहे नेचवा के तहसील उपखंड की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, तमाम ऐसे काम हैं जो जनता के हितों से जुड़े हुए थे, जनता के लिए थे, वो हमने करने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक विजन रहेगा आगे कि ये जो फूड पार्क हमने स्वीकृत किया है, इसमें हम लोग 300 करोड़ रुपए लगा करके लोगों को रोज़गार पैदा करने का काम करें। यहाँ पर किस तरीके से लोगों को कैसे रोज़गार मिले, युवाओं को कैसे उनके सपने पूरे करने का अवसर मिले, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, कैसे हम लोग और ज़्यादा विकास ला करके, योजनाएँ ला करके, बजट ला करके इस लक्ष्मणगढ़ को एक स्मार्ट सिटी और पूरा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र को 200 विधानसभा में विकास के काम में अलग करने का काम करें। यहाँ हमेशा प्यार मोहब्बत भाईचारा रहा है, 36 को मिलकर के रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये भाईचारा हमेशा हमेशा कायम रहे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग 5-6 दफ़ा यहाँ आकर के लक्ष्मणगढ़ में जिस जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, वो उनकी भाषा उनको मुबारक हो, क्योंकि वो वही भाषा जानते हैं। मैं प्रेम की भाषा जानता हूँ। वो जिस तरीके से कल भी बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर पूरे लक्ष्मणगढ़ को अपमानित करने का काम किया है, लक्ष्मणगढ़ की जनता का अपमान किया है, जब लक्ष्मणगढ़ में ऐतिहासिक काम हुए, 1800 करोड़ रुपए के काम हुए और उसके ऊपर यहाँ पर स्पीच दिया जाता है,
कि लक्ष्मणगढ़ का नाम बदनाम हो गया, तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि वो अपने एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ें, वो अपनी योजनाओं के ऊपर चुनाव लड़ें, अपनी पार्टी की विचारधारा के ऊपर चुनाव लड़ें। वो लक्ष्मणगढ़ में उनका क्या विजन है, प्रदेश में उनका किस प्रकार का, आगे 5 साल अगर उनको सरकार मिलती है तो क्या विजन है, अगर इस बात पे करेंगे तो हम उनसे तर्क भी करेंगे, बातें भी करेंगे। लेकिन मंच पे खड़े होकर के अगर गोविंद डोटासरा को वो गाली देते हैं तो मैं मानता हूँ, मेरी जनता मानती है कि लक्ष्मणगढ़ को गाली दे रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ के लोगों को गाली दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, तो ये अपमान लक्ष्मणगढ़ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है लगातार, आपके भी दोनों फ्रंट को नोटिस दिया गया, समन दिया गया। देखिए, ये सब कुछ करेंगे क्योंकि ये जीत नहीं रहे हैं, जनता का दिल इन्होंने नहीं जीता है। और राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस की सरकार की जो एंटीकमेंसी नहीं है उससे बोखला करके, इनके पास विजन नहीं है कि ये इसी तरीके का काम करेंगे। देखिए भाई, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, एक अध्यापक का बेटा हूँ, मैंने मेरे जीवन में कभी भी किसी तरीके का कोई गलत काम नहीं किया। मैंने संकल्प ले रखा है कि मैं मेरे जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे लक्ष्मणगढ़ की जनता को नीचा देखना पड़े। ये कितने भी जतन कर लें, ईडी ले आए, सीबीआई ले आए, इनकम टैक्स ले आए, ये तो इनका काम है, इनके अस्त्र हैं ये चुनाव लड़ने के, तो इनके शस्त्र और अस्त्र इनको मुबारक हो। मुझे मेरी जनता आशीर्वाद देगी, मुझे पूरा विश्वास है और मैंने जनता के साथ दिल से काम किया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस जीतेगी और पूरे राजस्थान में कांग्रेस बहुमत के साथ में पुनः सरकार।